गट्टू और चिंकी गए एम्यूजमेंट पार्क। गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी। बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाओ चिंकी, देखो ना कितना बड़ा एम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलीडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे, और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है, क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या, इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो, क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलीडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं। संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले प्लीज मम्मी, प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी पक्का, हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया, इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बहुत सेवा हो रही है। हाँ। इतने में वहाँ पर मम्मी आ जाती है। वो पापा से एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कहने ही वाली थी कि पापा कहते हैं, बच्चों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, तुम दोनों सुनकर खुश हो जाओगे। अच्छा बताइए ना पापा, क्या अच्छी खबर है? अरे शहर में जो नया एम्यूजमेंट पार्क खुला है ना, मेरे पास उसकी टिकट्स है। मैंने ऑफिस में जो एक्स्ट्रा काम किया था उससे खुश होकर मुझे ऑफिस से ये गिफ्ट मिला है। ये बात सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। तो फिर ठीक है ना बच्चों, ये तय रहा कि हम इस संडे को एम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। हाँ पापा, बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ये। संडे आ जाता है और सुबह सुबह गट्टू और चिंकी नहा धोवा कर रेडी हो जाते हैं। मम्मी स्नैक्स पैक कर रही थी और पापा ने जो कार बुक की थी सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। सारे बहुत एक्साइटेड थे। कुछ ही देर में पापा की बुलाई कार वहां आ जाती है और सब उसमें बैठकर एम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। एम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर जब मम्मी और पापा गेट पर टिकट दिखाते हैं तब गट्टू और चिंकी, अरे वाह चिंकी, देखो ना इस एम्यूजमेंट पार्क के अंदर कितनी सारी राइड्स है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इन सब पर बैठने के लिए। हाँ गट्टू, हम लोग इन सभी राइड्स पर बैठेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तभी पीछे से पापा और मम्मी भी आ जाते हैं और गट्टू चिंकी से कहते हैं, अरे गट्टू चिंकी यहाँ क्यों खड़े हो,
चलो अंदर चलो, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और सभी लोग एम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी रोलर कोस्टर, बम्पर कार्स और ऐसे ही कई मजेदार राइड्स पर घूमते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। कई राइड्स पर घूमने के बाद गट्टू चिंकी एक बेंच पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं और पापा सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम दोनों थक गए होंगे ना, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और खूब सारी एनर्जी लाओ ताकि तुम लोग और भी राइड्स का मजा उठा सको। हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। गट्टू चिंकी हंसते हैं और आइसक्रीम खा लेते हैं। तभी चिंकी को थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा टेंट दिखाई देता है जिस पे लिखा था मैजिक शो। चिंकी उसे देखकर गट्टू से कहती है, अरे गट्टू देखो ना, लगता है उस टेंट के अंदर कोई मैजिक शो होने वाला है, मुझे भी उसके अंदर जाना है। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो, चलो पापा से कहते हैं कि हमें वहाँ ले चले। गट्टू चिंकी पापा से बोलते हैं, पापा हम दोनों को वहाँ ले चलिए ना, उस टेंट में जहाँ पर वो मैजिक शो होने वाला है, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं बच्चों ये मैजिक शो देखने। फिर सब लोग जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और टेंट की तरफ चल देते हैं। पापा मैजिक शो की 4 टिकट्स लेकर आते हैं और जब गट्टू चिंकी टेंट के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह से एक साथ निकलता है, वाओ मम्मी पापा ये टेंट अंदर से कितना बड़ा है। हाँ मम्मी ये कितना बड़ा है। टेंट के अंदर एक स्टेज लगा था और उसके चारों तरफ बहुत सारी कुर्सियां रखी थी। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ आगे की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चिंकी देखो ना ये जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है, देखना मैजिक शो में सच में बहुत मजा आएगा। सही कह रहे हो गट्टू, यहाँ पर सच में बहुत मजा आने वाला है, मैं तो खूब एक्साइटेड हूँ। तभी स्टेज पर एक अंकल आते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उन्होंने मैजिकल हैट भी पहनी हुई थी, उनके हाथ में एक मैजिकल स्टिक भी थी। अरे वाह चिंकी देखो, मुझे तो लगता है यही मैजिशियन है और यही हमें जादू दिखाएगा, देखो इनके पास मैजिक स्टिक भी है। हाँ गट्टू मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या आप सबको टॉफीज और चॉकलेट पसंद है बच्चों? गट्टू चिंकी के साथ वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी हाँ बोलते हैं। ये सुनकर मैजिशियन मुस्कुरा देते हैं और अपनी मैजिकल स्टिक हवा में उड़ाते हैं और वहाँ पर चॉकलेट्स और टॉफीज की बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी भी बहुत सारी टॉफीज इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद मैजिशियन फिर से अपनी स्टिक हवा में उड़ाता है और उसके दूसरे हाथ में सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं जिन्हें वो स्टेज से उतार कर चिंकी को दे देता है। ये लो बेटा ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच मैजिशियन अंकल। चिंकी उन फ्लावर्स को लेकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मैजिशियन अपनी टोपी उतारता है और जब वो उसके ऊपर अपनी स्टिक फिर से घुमाता है तब उसकी टोपी से एक खरगोश निकल के आता है। ये देखकर सब लोग ताली बजाते हैं। मैजिक शो खत्म हो जाता है और चिंकी गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकल आते हैं। तो बताओ बच्चों कैसा लगा तुम दोनों को एम्यूजमेंट पार्क में आकर? पापा मम्मी थैंक यू सो मच हमें यहाँ लाने के लिए। हाँ हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद सारी फैमिली वापस अपने घर के लिए चल पड़ती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।